हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले राइबोसोम्स के बारे में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है या कोशिका का एक कोशिकांग है। कोशिकांग क्या होता है? ये कोशिका में पाए जाने वाली छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो कि कोशिका के अंदर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकांड्रिया, प्लास्टिड। ये सब क्या है? कोशिकांग हैं, कोशिका के एक छोटे छोटे अंग। जिस प्रकार हमारी बॉडी बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी होती है, जैसे हमारा हाथ है, पैर है, आँख, कान, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब क्या है? एक अंग है, हमारी बॉडी के एक अंग हैं और ये सब अलग अलग कार्यों को करते हैं। हाथ से हम लिखते हैं, पैर से हम चलते हैं, कान से हम सुनते हैं, तो इन सब का कार्य अलग अलग है। उसी प्रकार कोशिका में छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम कोशिकांग बोलते हैं। कोशिका के अंदर इनका भी काम अलग अलग होता है, कुछ का एनर्जी देना, कुछ का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, इसी प्रकार सबका काम अलग अलग होता है। तो राइबोसोम्स भी एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है या एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसकी खोज सबसे पहले रॉबिन्सन तथा ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इसे प्लांट सेल में सबसे पहले डिस्कवर किया था। प्लांट सेल जो था वो एक सेम का पौधा था। सेम का पौधा मतलब जो बीन होता है उसका प्लांट था। उसकी जड़ों में सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने राइबोसोम्स की खोज की थी 1953 में। 1953 में इन्होंने प्लांट सेल में बीन के प्लांट के रूट में सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कवर किया था। लेकिन एनिमल सेल में सबसे पहले खोज किसने किया था? इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया एनिमल सेल में? पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने इसको जंतु कोशिका में सबसे पहले डिस्कवर किया या खोजा था। इन्होंने 1955 में डिस्कवर किया। आगे चल के इनको इसलिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। राइबोसोम्स की खोज के लिए पेलाडे को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। राइबोसोम्स जो होते हैं वो आरएनए और राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए और राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। इसकी खोज पेलाडे ने की थी। सामान्यतः ऐसा होता है कि जिस सेल ऑर्गेनेल या फिर जिस चीज़ की खोज वैज्ञानिक करते हैं उसी के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है, या डिस्कवर किया था उनके नाम के आधार पर ही उसका नाम रखा जाता है। जैसे गॉल्जी एपरेटस हो गया, कैमिलो गॉल्जी ने उसकी खोज की थी तो गॉल्जी एपरेटस उसका नाम पड़ गया। उसी प्रकार हम इसे पेलाडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं। राइबोसोम्स को पेलाडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं क्योंकि पेलाडे ने इसकी खोज की थी। हम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम्स का होता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसीलिए हम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल होता है। जैसे कि कोशिका में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उसमें से कुछ छोटे कुछ बड़े होते हैं, तो जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है वो होता है न्यूक्लियस, लेकिन जो सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल होता है वो कौन सा होता है? राइबोसोम्स। ये कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग या सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है। फिर उसके बाद है ये मेम्ब्रेनलेस होता है। कोशिका में जो भी संरचनाएं पाई जाती हैं उन वो या तो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं या तो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं। लेकिन दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो कि मेम्ब्रेनलेस होते हैं। एक होती है न्यूक्लियोलस और दूसरा होता है राइबोसोम्स। ये दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो कि मेम्ब्रेनलेस या कला विहीन होते हैं। इनके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। राइबोसोम्स काफ़ी छोटे छोटे ग्रेन्यूलर पार्टिकल्स होते हैं। ये गोल आकृति के या फिर डमरू के आकार के होते हैं। कुछ इस प्रकार इनकी आकृति होती है। ये दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? दो भागों या फिर दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। इनकी जो एक सब यूनिट होती है वो कुछ बड़ी होती है, जिसे हम बोलते हैं आधार, और दूसरी सब यूनिट जो होती है जिसे हम हेड बोलते हैं वो आधार से चिपकी हुई या फिर जुड़ी हुई होती है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पे या फिर अवसादन गुणांक के आधार पे राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S और एक होता है 80S। जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है वो आकार में छोटा होता है, इसकी साइज छोटी होती है, लेकिन जो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है ये आकार में बड़ा होता है, इसके अपेक्षाकृत आकार में बड़ा होता है और इसकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। जो 70S प्रकार का राइबोसोम्स होता है उसकी सब यूनिट एक 30S की होती है और एक 30S और एक 50S की इसकी दोनों सब यूनिट होती हैं। जो 80S प्रकार का राइबोसोम्स होता है उसकी दो सब यूनिट होती हैं, एक 60S होती है और एक 40S होती है। यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 60 और 40 हम ऐड करें तो 100 होगा और 30 और 50 ऐड करें तो 80 होगा, लेकिन यहाँ पे 80 के जगह पे 70S है और यहाँ पे 100 के जगह पे 80S है। तो ऐसा क्यों होता है? मान लेते हैं ये राइबोसोम्स का आधार वाला भाग है, ठीक है,
इसकी आकृति कुछ इस प्रकार है। अगर इस आधार से ये जो इसका हेड होता है कुछ इस प्रकार जुड़े, ये इसके ऊपर आके फिट होता है इस प्रकार जुड़े, तो इसका इतना भाग जो बेस का भाग होता है वो इतना इसकी वजह से कवर हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 10 चला गया, 10% भाग इसका कवर हो गया, हमें दिखाई कितना देगा, हमें दिखाई बस इतना सा इसका भाग देता है, तो इसीलिए हम इसे 70S बोलते हैं, क्योंकि 10% भाग इसका कवर हो जाता है। उसी प्रकार इसका 20% भाग कवर हो जाता है, इसलिए हम इसे 80S राइबोसोम्स बोलते हैं। राइबोसोम्स के दोनों भाग मैग्नीशियम आयन से जुड़ते हैं। ये राइबोसोम्स के जो दोनों सब यूनिट्स हैं या जो दोनों भाग हैं वो मैग्नीशियम आयन से जुड़ते हैं, Mg2+ आयन से ये जुड़ते हैं। अगर Mg2+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो ये अफेक्ट होते हैं। या तो अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो राइबोसोम्स आपस में चिपकेंगे, अगर कंसंट्रेशन हम कम करते हैं, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, अगर मैग्नीशियम की सांद्रता हम कम कर देते हैं तो दोनों इसके भाग या फिर दोनों सब यूनिट अलग हो जाती हैं। अगर Mg2+ या फिर मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन हम 10% बढ़ा दें तो दो राइबोसोम्स आपस में चिपक जाएंगे। ये दो राइबोसोम्स आपस में चिपक जाते हैं, हम इसे बोलते हैं डाइमर। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। मान लेते हैं ये एक mRNA है, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम्स एक लाइन से उपस्थित होते हैं। अगर इनकी संख्या 4, 5 या उससे अधिक है तो हम इसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम्स। राइबोसोम जो होते हैं, जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, या जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? सेल दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस की जगह पर एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसमें उनका DNA या फिर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियॉड। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, इसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है वो माइटोकांड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? माइटोकांड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकांड्रिया को हम हिंदी में माइटोकांड्रिया ही बोलते हैं और प्लास्टिड को हिंदी में हम लवक बोलते हैं। इन दोनों सेल ऑर्गेनेल्स में 70S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है, और जो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में न्यूक्लियस के अंदर या फिर कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इस वीडियो में देखा राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने, इन्होंने प्लांट सेल में डिस्कवर किया था। एनिमल सेल में सबसे पहले पेलाडे नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, हम इसे पेलाडे पार्टिकल्स, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स या फिर प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल होता है कोशिका का, सबसे छोटा कोशिका अंग होता है और मेम्ब्रेनलेस होता है, मतलब इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, कोई भी कला नहीं उपस्थित होती। फिर उसके बाद हमने देखा राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। 70S प्रकार का राइबोसोम जो होता है वो आकार में थोड़ा छोटा होता है, 80S प्रकार का जो राइबोसोम्स होता है वो आकार में अपेक्षाकृत बड़ा होता है। ये दोनों इसकी सब यूनिट्स जो होती हैं वो Mg2+ मैग्नीशियम आयन से जुड़ती हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम्स उपस्थित होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। 70S प्रकार का राइबोसोम्स सेल ऑर्गेनेल में उपस्थित होता है, माइटोकांड्रिया और प्लास्टिड में, और 80S प्रकार का राइबोसोम सेल में उपस्थित होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी।